गाइज, अगर मोनी टैग की यहाँ पे हम सीपीसी की या सीपीएस की बात करें कि ये आपको इम्प्रेशंस पे या क्लिक्स के ऊपर कितना देता है, कितने अमाउंट जनरेट करके देता है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप ओएस से यहाँ पे व्यूज़ लेके आते हैं, रेट आपको ये मिल रहा है और आपको 1K के व्यू के ऊपर यहाँ पे ये जो है वो डॉलर मिलेंगे, यानी 1.90 कह सकते हो, $2 मिलेंगे। अगर विंडो से आता है फिर भी $2 मिलेंगे, अगर एंड्रॉयड से आता है फिर आपको $1 और कुछ सेंट्स मिलेंगे। और यहीं पे अगर हम जो है पाकिस्तान को कट कर दें और यहाँ पे अगर और कंट्रीज़ का देखें, न्यूजीलैंड हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, अगर आप यहाँ से व्यूज़ लेके आते हैं, यानी आपकी ट्रैफिक जो है वो यहाँ से इन कंट्री से आती है, तो आपको 1K के ऊपर यहाँ पे ये डॉलर जो है वो मिल रहे हैं। आपको 1K व्यूज़ के ऊपर यहाँ पे $145 तक भी मिल सकता है अगर आपकी ट्रैफिक जो है वो न्यूजीलैंड से आ रही है। गाइस, ये मेरे चैनल की बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, शायद इससे पहले मैंने कभी भी इतनी डिटेल के अंदर वीडियो नहीं बनाई होगी। तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप मोनी टैग के ऊपर किस तरह से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। इन सभी कंट्री से मैं आपको ट्रैफिक लाना सिखाऊंगा, ना सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। आप इसको एक कोर्स का नाम भी दे सकते हैं कि ये एक कोर्स रहने वाला है और एक वीडियो का कोर्स में आप जो है वो सारी चीज़ें जो है, जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपके शक व शुबात होंगे, वो सारे इस वीडियो के अंदर दूर होने वाले हैं। और अगर आप पैसे भरते हैं, यहाँ पे पैसे लगा के कोर्स बाय करते हैं, और वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, जो लोग आपको पेड यहाँ पे जो है वो पैसे ले के आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको हमारा YouTube चैनल नज़र आ रहा है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अपना मोनी टैग का अकाउंट यहाँ पे मेरे सामने है, यहाँ पे जितनी भी डेट से और जितना CPC और जितने डॉलर मैंने जनरेट किया है वो सभी मुझे यहाँ पे शो होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक जो है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, आपने सिंपली डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मेरा जस्ट एक डायरेक्ट लिंक बना हुआ है और यहाँ पे जो है मैंने कोई भी वेबसाइट ऐड नहीं की। अगर आप साइट के ऊपर मैं आपको जाके दिखाऊं तो कह रहा है यू डोंट हैव साइट येट, कि मैंने यहाँ पे कोई भी साइट को ऐड नहीं किया हुआ। तो ये जो अर्निंग मैंने की है सारी डायरेक्ट लिंक से ही की है। अब कैसे की है मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको कुछ मेथड जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो लोग पेड कोर्सेज में बता रहे होते हैं मैं आपको वो फ्री में बता रहा हूँ। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने जो है वो अपना मोनी टैग का जो है एक अकाउंट बना लेना है। बहुत इजी है, सिंपल है, बन जाता है। और मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इसके लिए ये जो एज वाला यहाँ पे ब्राउज़र है आप इसी को यूज़ करें, इसके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है और क्रैश वगैरह नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज़ बहुत सारे ब्राउज़र्स के ऊपर ये वेबसाइट जो है वो क्रैश हो जाती है। अब करना क्या है गाइस, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बता देना चाहता हूँ। पेड ट्रैफिक से ये आपको जो है वो रेवेन्यू देता है, बहुत सारी एडवर्टाइज़र कंपनी जो हैं वो आपको पेड ट्रैफिक के ऊपर कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती, लेकिन वहीं पे मोनी टैग कर रहा है कि मैं आपको पेड ट्रैफिक के ऊपर भी रेवेन्यू जो है वो दूंगा, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पेड ट्रैफिक कौन सी होती है, जो हम बाय करते हैं, जो हम एडवर्टाइजिंग के ज़रिए लेके आते हैं, जो हम मुख्तलिफ डिफरेंट वेबसाइट्स को पैसे दे के ट्रैफिक जो है वो बाय करते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर भी मोनी टैग कह रहा है कि मैं आपको जो वो अमाउंट जनरेट करके दूंगा। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने जो है यहाँ पे ओपन कर रखा है मेरा कैनवा और इसके अंदर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आपने उसको समझना है, ठीक है। नंबर एक चीज़ गाइस, अब इस चीज़ को आपने गौर से देखना है कि लोग इस चीज़ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट पे आती है वो है यहाँ पे आपके सामने टिकटॉक एड्स। अब टिकटॉक एड्स जो है वो कैसे होते हैं गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ टिकटॉक की। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है वो टिकटॉक का एक बिजनेस अकाउंट होता है, जिसको लोग टिकटॉक एजेंसी अकाउंट का नाम भी देते हैं। तो ये आपके सामने है यहाँ पे। अब जब हम बनाते हैं, मैंने यहाँ पे सारा सीन जो है वो बना रखा है, मैं तभी कह रहा था कि मैं आपको ये जो है वो डिटेल में देने वाला हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर अकाउंट बनाया। अब ये जो एजेंसी अकाउंट है वो पाकिस्तान के अंदर अवेल नहीं है, मैंने बाहर का बनाया, उसके ऊपर बाहर का नंबर दिया।
तो जैसे ही मैंने नंबर दिया तो यहाँ पे देखें क्या एरर आ रहा है। कह रहा है, डियर कस्टमर, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन वी आर नॉट एबल टू हेल्प यू टू क्रिएट सेल्फ सर्विस अकाउंट। वी हाईली रिकमेंडेड यू टू लीव योर इन्फॉर्मेशन बिलो टू कॉन्टेक्टेड अबाउट फ्यूचर अवेलेबिलिटी। ठीक है, और वी हैव डिटेक्टेड अनयूजुअल बिहेवियर ड्यूरिंग योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन। प्लीज मेक श्योर योर नेटवर्क इन्वायरमेंट टू इज सिक्योर आर चेंज द नेटवर्क यू आर यूजिंग एंड मेक श्योर द इन्फॉर्मेशन यू विल फिल इन इज इट टू यू। ये ट्रॉक क्यों कह रहा है? क्योंकि मैंने नंबर जो है वो बाहर का यूज़ किया। अब ऑब्वियसली मैं जब पाकिस्तान में हूँ, मेरी लोकेशन पाकिस्तान से है, दैट्स वाई वो कह रहे हैं वी डिटेक्टेड अनयूजुअल बिहेवियर ड्यूरिंग योर अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो अब ये जो एजेंसीज अकाउंट है ये आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हैं मैं भी आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। 100% सिक्योर होगा और 100% लेजिट होगा, आपको जो है इसके ऊपर कोई भी इशू नहीं आएगा। अब इस अकाउंट के ऊपर जो कार्ड हमने यूज़ करने हैं वो यूएसए यूके के यूज़ करने हैं, उसके लिए मैं प्रीफर करता हूँ और लोग भी यूज़ करते हैं वाइस अकाउंट। वाइस अकाउंट भी आपका भाई आपको प्रोवाइड कर देगा कम प्राइस में। बिलीव मी गाइज, अगर आप फेसबुक के ऊपर जाएं, किसी भी जहाँ पे वाइस अकाउंट सेल हो रहे हैं, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, आप जाके पूछें, कोई भी आपको $100 से कम नहीं बना के देगा। और आपको अगर कम से कम भी बना देगा तो भाई वो आपसे चार्ज करेगा तकरीबन 90 या 80 डॉलर चार्ज करेगा, और ऊपर $200-$250 तक भी वाइस के अकाउंट लोग बना के सेल कर रहे हैं। बट अगर आप मेरे पास इसको लेने आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पे चले आना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा अगर तो आप मुझसे बाय करते हैं। व्हाट्सएप पे आए, मेरे मैसेज करें, मैं आपको ये जो वॉइस का अकाउंट है वो कम प्राइस के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। अब वॉइस अकाउंट का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आपको कार्ड्स बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप खुद बनाएंगे आपको कार्ड नहीं मिलेंगे, बेशक आप ट्राई कर लें, लेकिन अगर आप हमसे बनवाएंगे तो आपको वहाँ पे 3 कार्ड मिलेंगे। इन 3 कार्ड्स को आप रोज़ाना के तौर पे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आज ये कार्ड मिल गया है, इसका नंबर है लास्ट पे 8563, कल आपको ये कार्ड आप इसको रिप्लेस करेंगे। सिंपली उसके लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है और फिर आपने इसको रिप्लेस कर देना होता है। अभी कार्ड जो है वो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे ये देखिए रिप्लेस कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कार्ड को रिप्लेस कर देंगे। मैं रिप्लेस बल्कि कर देता हूँ, मेरे पास अभी अप्रूवल मांगेगा तो अभी मे बी मैं इसको अप्रूवल ना दे पाऊँ। ये देखें, योर डिजिटल कार्ड इज़ रेडी टू यूज़, शो मी कार्ड। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखें वो जो 85 वाला था वो रिप्लेस हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है, अगर आपने इस कार्ड को कहीं पे भी लगाया है फ्री ट्रायल के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो अब जो है वो कार्ड यूज़ होना बंद हो जाएगा, वहाँ पे वो पैसे नहीं काट सकेंगे, आपका काम भी हो जाएगा, आपको न्यू कार्ड भी मिल गया और ऐसे ही फ्री में कार्ड मिल गया। यकीन करें, फ्री में कार्ड मिल गया। तो ये है इसका काम, मैंने जस्ट आपको समझाना था। ठीक है, मैं जो है वो इसी को यूज़ करता हूँ और टिकटॉक एजेंसी अकाउंट से लोग जो है वो लाखों क्या बहुत ज़्यादा गाइस बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट से। अब टिकटॉक का एडवर्टाइज़र अकाउंट जो है वो कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस आता है। मैंने कुछ इमेजेस जो है आपके सामने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है और यहाँ पे ये सारा इसमें सीन होता है, आपको बता रहा होता है ग्राफ के अंदर के क्या क्लिक्स आए हैं, क्या CPC मिल रहा है, क्या CPA मिल रहा है और क्या CTR आपका क्लिक्स कितने हैं, और एवरेज सारी आपको यहाँ पे ये बता रहा होता है। अब जो हमारे पास सेकंड नंबर चीज़ आती है वो भी वहीं पे हम चले जाते हैं और वो भी आपके सामने सेम एज इट इज इंस्टाग्राम एंड यहाँ पे आपके पास आते हैं फेसबुक एड्स। अब इंस्टाग्राम और फेसबुक के एडवर्टाइजिंग भी भाई नेक्स्ट लेवल है, इनके ऊपर भी आप वॉइस के कार्ड यूज़ करके इजीली जो है इन पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो फेसबुक है उसके ऊपर भी इजीली, अब इन दोनों के अगर कंपेयर करूँ तो टिकटॉक के जो एड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, नॉर्मली आप जो है वहाँ से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है इसके भी एड्स को इतने महंगे नहीं होते, और इसके ऊपर भी आप अपने डायरेक्ट लिंक है, भले आपका जो है वो कोई वेबसाइट बनाते हैं उसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छी खासी अमाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगी। टिकटॉक के ऊपर जो है वो आप डायरेक्ट लिंक से भी अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। अब जो लास्ट पे हमारे पास आता है वो आता है गूगल, तो गूगल से भी गूगल एड्स जो होते हैं उनसे भी आप जो है एडवर्टाइजिंग करके जो है यहाँ पे मोनीटैग के ऊपर अच्छी खासी अमाउंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और बिलीव मी गाइस, लोग इन मेथड्स को पेड कोर्सेज में बता रहे हैं,
इन्हीं चीज़ों के पेड कोर्सेज बना के वो जो है कोर्सेज सेल कर रहे हैं और लोगों को जो है वो टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट ऐसे कर रहे हैं कि उन्होंने जस्ट अपना पेड कोर्स बनाया होता है, उसको सेल करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। अब टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा है, अब आप पेड कोर्स लेते हैं, आप उसी पे ही जो है वो बैठ जाते हैं कि भाई अब आपने पैसे लगाए हैं तो आपने इसी से ही कुछ ना कुछ करना है। आप कर पाते हैं नहीं कर पाते, कोशिश किया करेंगे तो आपको फ्री में बहुत कुछ मिल जाता है ऑनलाइन की दुनिया में। जस्ट मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पेड चीज़ें बिल्कुल फ्री में बताते हैं और यहाँ पे जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इनकी एडवर्टाइजिंग से अगर आप मोनीटैग के ऊपर जो है वो इम्प्रेशन लेके जाते हैं, बिलीव मी अगर आप $5, मैं आपको जस्ट सपोज कर रहा हूँ, अगर आप $5 इन्वेस्ट करते हैं तो ईजिली 30 से 35 से $50 तक भी आप $5 से निकाल लेते हैं जस्ट एडवर्टाइजिंग करके, ठीक है। तो ये थी वीडियो इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको बताना चाहा है कि आप जो है किस तरह से एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं और मोनीटैग के डायरेक्ट लिंक को प्रमोट करके उससे जो है वो अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप इसके डिफरेंट डायरेक्ट लिंक्स भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अपनी वेबसाइट बना लें, उसको फेसबुक, उसको इंस्टाग्राम की एडवर्टाइजिंग, उसको गूगल या फिर आप उसको टिकटॉक की एडवर्टाइजिंग से जो है वो प्रमोट करके अच्छी खासी अमाउंट जनरेट करें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेकबान।